स्कूल से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जम्मू कश्मीर में वो वॉयलेशन कर रहे हैं, यानी मनमानी करके माँ बाप से एडमिशन फीस जो है वो वसूल रहे हैं। तमाम खबरें जो है वो अक्सर निकल कर आती हैं कि प्राइवेट स्कूल्स अपनी मनमानी करते हैं, मनचाहा पैसा वसूलते हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप का एक सपना रहता है कि मेरा बच्चा अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़े और पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान के साथ साथ एक बेहतरीन जॉब करे। लेकिन अब ये खबर जो है तमाम पेरेंट्स के लिए यानी वालिदैन के लिए है जो अपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। आपको बता दें कि अब प्राइवेट स्कूल की एडमिशन फीस पर शिकंजा कसा जा रहा है। अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल 2024 में यानी मार्च से अप्रैल में आपसे एडमिशन फीस लेता है तो आप उस स्कूल की शिकायत कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर एक बार आपने उस स्कूल की शिकायत की उस पर सीबीआई प्रोव होगा यानी क्रिमिनल, आपको बता दें, और उसके बाद में उस स्कूल की एफिलिएशन और उसकी रिकॉग्नाइजेशन जो है वो कैंसिल की जा सकती है। तमाम जानकारी मैं आपको दे दूं कि फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस जो प्राइवेट स्कूल की है यानी फी फिक्सेशन ऑफ रिव्यू कमेटी ने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि तमाम जम्मू कश्मीर में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके खिलाफ हमें जो है शिकायतें मिल रही हैं कि वो मनचाही एडमिशन फीस वसूलते हैं। और उन्होंने ये कहा कि एक बार अगर आपने अपने बच्चे की स्कूल में एडमिशन करा दी यानी वन टाइम आपने अगर अपने बच्चे की स्कूल में एडमिशन करवा दी तो उसके अलावा जो है वो एडमिशन फीस जो है नहीं वसूल सकते। लेकिन जम्मू कश्मीर में पूछने मांगने वाला है कौन, इन प्राइवेट स्कूलों से पूछेगा कौन? आपको बता दें कि यहाँ पर फी फिक्सेशन एंड रिव्यू कमेटी ने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि तमाम जम्मू कश्मीर के स्कूलों के खिलाफ हमें कंप्लेन मिलती है कि वो एडमिशन फीस जो है चार्ज करते हैं जो सीधा सीधा वॉयलेशन है, यानी वॉयलेशन करते हैं। अब आगे अगर मैं आपको ज्यादा बताऊं कि यहाँ पर जिस तरह से एक कंप्लेंट्स मिली यानी शिकायतें मिली कि जम्मू कश्मीर के तमाम प्राइवेट स्कूल जो हैं वो एडमिशन फी चार्ज करते हैं, और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अब जम्मू कश्मीर में साल 2024 में कोई चार्ज करता हुआ दिखा उस पर सीधा सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाएगी। अगर सीबीआई इंक्वायरी में ये प्रूफ हो गया कि आप एडमिशन फीस लेते हैं फिर मैं आपको बता दूं कि आपका एफिलिएशन और आपकी जिस तरह से आपको बता दें कि आपके स्कूल की मान्यता यानी रिकॉग्नाइजेशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। आगे अब आपको जानकारी यहां पर मैं दे दूं कि यहां पर है सेक्शन 20A ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 के तहत ये कहा जाता है कि यहां पर एडमिशन फीस लेना जो है वॉयलेटिंग है इस सेक्शन की और आप लोग जो एडमिशन फीस नहीं ले सकते। अब आप सोचेंगे ले क्या सकते हैं? बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता सेक्शन 20 क्या कहता है, जिन्हें नहीं पता सेक्शन 20A क्या है, एक्ट 2002 क्या है। तो वो ये कहता है कि आपको अपने बच्चे की ट्यूशन फीस देनी है, ट्रांसपोर्टेशन फीस देनी है, एनुअल फीस देनी है, आपको कोई एडमिशन फीस नहीं देनी है। इसके अलावा पिकनिक फीस हो गई, इसके अलावा कोई भी फीस हो गई वो आपकी मर्जी आप दो, आपकी मर्जी आप ना दो, कोई भी आपसे जो है वो ज्यादा आपसे खींचातानी नहीं कर सकता कि आपके बच्चे को जो है बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको ये देनी है। फी फिक्सेशन ऑफ रिव्यू कमेटी ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर से ये शिकायतें आ रही हैं और उन्होंने कहा 2023 में भूल जाइए, यानी ये जो साल के 6-7 दिन रह गए हैं इन्हें भूल जाइए। क्या हुआ, साल का 2024 आएगा, मार्च और अप्रैल में एडमिशन होंगी अगर जम्मू कश्मीर के प्राइवेट स्कूलों ने मनचाही एडमिशन फीस वसूली। और किस तरह से ये काला धंधा करते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, सुनिए धंधा क्या है। धंधा ये है कि ये कहते हैं कि हम UPI पेमेंट नहीं लेंगे, हम आपसे किसी अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं कराएंगे, आप हमें कैश इन हैंड दे दीजिए, और आपको रसीद भी नहीं देते क्योंकि उनकी काली कमाई है स्कूल वालों की, तो आपको रसीद कहाँ से देंगे? जबकि स्कूल वाले इतने पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है कि एडमिशन फीस नहीं लेनी है तब भी लेते हैं, तो कहाँ से आप लोगों को वो रिसिप्ट देंगे, कहाँ से आपसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कराएंगे? लेकिन कुछ माँ बाप जो है उन्होंने शिकायतें जरूर की होंगी, इसलिए मुद्दा जो है हाईलाइट हुआ है। और मैं आपको बता दूँ जो चेयरपर्सन है जस्टिस सुनील हाली, उन्होंने कहा कि अब अगर ऐसा हुआ 2024 में तो अगर आपने एक भी बच्चे से एडमिशन फीस ली ना, एक भी बच्चे से, तो माना जाएगा आपने पूरे स्कूल के बच्चों से एडमिशन फीस ली है। जितनी आपको यानी आपको जब सजा एक स्कूल के लिए मिलेगी उतनी ही सजा आपको जो है बाकी सबके लिए मिलेगी, यानी एक बच्चे के लिए भी उतनी सजा और अगर आपने नहीं ली तो पूरे स्कूल के लिए भी उतनी सजा। आगे आपको यहाँ पर बता दें कि तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन्हें कहा जा रहा है जस्टिस सुनील हाली की तरफ से कि ऐसा नहीं करना है, अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए चाहे मनी इन कैश ले ली, हमें पता चल गया आप पर सीबीआई प्रोब होगा, जब सीबीआई एजेंसी जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन करेगी उस इन्वेस्टिगेशन में साबित हो गया ना कि आपने ये किया है, आपने पैसे कैश इन हैंड लिए हैं, पता चल गया ना,
तो फिर इसका मतलब आपने एक पेरेंट से पैसे लिए हैं, तो ऐसा माना जाएगा आपने पूरे स्कूल से पैसे लिए हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि जब आप ये कहेंगे अभी हमारी रिसिप्ट नहीं मिल रही, अभी हमारा ऑनलाइन नहीं चल रहा, इसे भी सीबीआई आपके अगेंस्ट ही यूज करेगी अगर ऐसा हुआ तो। अब आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सर्कुलर को जो है जारी कर दिया गया है और कह दिया गया है कि सीबीआई प्रोब से अगर बचना है तो एडमिशन फीस आप लोग ना लें, अगर आपको सीबीआई प्रोब से नहीं बचना तो एडमिशन फीस जो है वो आप लोग ले लें। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग के स्कूल जो है, आप लोगों के बच्चों से जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से जो है वो लेते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को शिकायत करनी है जाकर। शिकायत के बाद आप देखिए कितने फौरन जो है वो एक्शन होता है, ये सारे प्राइवेट स्कूलों के काले धंधे जो है बंद हो जाएंगे। आप माँ बाप ही इन सारे खर्चों को बढ़ावा देते हो, इसीलिए सारे खर्चे आपके सिर पर पड़े हैं। अगर आप इन खर्चों को बढ़ावा ना दो, इनकी समय समय पर शिकायत करो, तो आपसे कभी भी जो है वो चार्जेस नहीं वसूले जाएंगे। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे जम्मू लटर न्यूज़।